आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A को लेकर जिस तरह से 6 तारीख करीब आ रही है, आर्टिकल 35A को लेकर सुनवाई हुई है जम्मू और कश्मीर में, राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। कश्मीर में आज प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जम्मू से ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि आर्टिकल 35A हटना चाहिए। क्या स्टैंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA दविंदर सिंह राणा जी। सर, आपने कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डोगरों का अस्तित्व और डोगरों की जो आइडेंटिटी है यहाँ पे खतरे में रहेगी अगर आर्टिकल 35A के साथ। मैंने नहीं कहा, ये 1927 में डोगरों ने महाराजा हरि सिंह बहादुर से कहा और महाराजा हरि सिंह बहादुर ने अपनी दूर अंदेशी का मुजाहरा देते हुए डोगरों की पहचान को बरकरार रखने के लिए, उनके व्यवसाय को बरकरार रखने के लिए, उनके खान पान को बरकरार रखने, उनके माहौल को बरकरार रखने में महाराजा हरि सिंह जी बहादुर ने कहा, समझा और 1927 में जिस स्टेट सब्जेक्ट लाया, ये मैंने नहीं कहा। ये जम्मू के डोगरों ने महाराजा हरि सिंह जी बहादुर को कहा और महाराजा साहब ने किया और उसी वजह से, और लैंड टू दी टिल शेख साहब का वो जो है लैक्ट, उसकी वजह से आज सारे रोटी खाते हैं इज्जत की, जम्मू कश्मीर के जो हैं रहने वाले, और सारे के सर पे छत है, कोई रात को छत के बिना बाहर नहीं सोता। ये उसी स्टेट सब्जेक्ट एक्ट और शेख अब्दुल्ला साहब की वो लैंड टू द टिलर की वजह से हुआ है। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि जम्मू के डोगरे खतरे में आ जाएंगे, दूसरी तरफ से आपके ही मेंढर के MLA कहते हैं कि यहाँ से झंडे का अस्तित्व ही मिट जाएगा। किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को भी लेते हैं? आप ही के नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA जावेद राणा एक फर्स्ट क्लास हिंदुस्तानी है, मुझे नहीं लगता उसने ये बयान दिया। किस किस्म का ये बयान? जनसभा में बोला है, ये वीडियो हर जगह वायरल है। मैंने बिल्कुल नहीं देखा, मैं वीडियो देखता ही नहीं, आपका भी नहीं देखता वीडियो, फिर आपको देखना चाहिए था कि ये चीज कही है। जिस तरह देखूंगा, अगर ये चीज कही है तो मैं बात करूंगा ना उनसे, कैसे कही, किस लिए कही, वो बात करेंगे। आर्टिकल 35A हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? आर्टिकल 35A हटा तो स्टेट सब्जेक्ट लॉ खत्म हो गया। महाराजा हरि सिंह बहादुर का लाया हुआ कबज जो जम्मू के डोगरों के लिए, कश्मीर के कश्मीरियों के लिए, लद्दाख के लद्दाखियों के लिए और हमारे आने वाले मुस्तकबिल में, गल सुनो मेरी गल दसो, तो जेडी रोज इन दी बोल दे मी सुना हो, इतने डोगरी बोलने वाले किन्ने रही दे, थोड़े ही रही दे, जेडे डोगरी संस्था भी बनाते वो भी पंजाबी डोगरी बोलते, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਅੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਈ ਓੜੋ 35A, ਅਗਰ 35A ਹਟਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਡਾਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗਰਾਂਡੀਲ ਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਐਂ, ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਾਉਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਆਓ ਜੀ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ 35 ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ 35A ਆਪਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੇ मिलती हुई इंक्लाइंड होकर ये स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि या फिर एक सच्चे डोगरे होने के नाते, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मैं सच्चा डोगरा, मैं सच्चा डोगरा हूं, डोगरे सुनिए, मैं रिजाइन करके सुनिए, वो भी जवाब देता हूं, मैं अभी जवाब देता हूं, मैं सच्चा डोगरा हां, मैं डोगरा हां, मुझे गर्व है मैं डोगरा हूं, मैं डोगरा था, मैं डोगरा हां, और मेरी अगलियां नस्लां भी डोगरा रहनगियां, सुन लो, लेकिन हूं जम्मू कश्मीर का भी बाशिंदा, मैं उस तो पहले एक सैकुलर इंसान भी हाँ, जरा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की गल करता, मैं उस तो बाद तो सब चीजें तो पहले एक हिंदुस्तानी भी हाँ, थोड़े सर्टिफिकेट नहीं मी चाहिए ना उन्दे चाहिए जेडे तो कहानियां सुनाते, उन्हें आखो पहले अपना अस्तित्व क्लीयर कर, उन्दे अपने क्लैरिटी नहीं, महिलाओं और अगर 35A गया तो जिथे रहना, तू जवान आदमी है जी, तो बड़ी दूर रहना लायक है मुड़ा, एक गल याद रखियो, आने वाली नसलें जो निकल जाए होना ना पप्पू थोड़ा, उन्हें जो बड़ा होना ना, उन्हें पौले मारने, उन्हें आना मेरा बापू उस गुनाह करिए, आऊँ वो गुनाह नहीं करने जाता। महिलाओं के राइट्स खत्म हो जाते हैं, उनके बच्चों को राइट्स नहीं मिल रहे। फारूक अब्दुल्ला साहब के भी दो बच्चे हैं, सारा अब्दुल्ला साहब के भी राइट्स, मेरे हाल पे रहम करो मेरे भाई, ऐसी सियासत मत खेलो कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल खराब हो जाए, बस इतना रहम करो, यही मीडिया से भी अपील है, यही वो मेरे साथी जो बहुत नाच रहे हैं उनको भी समझा दो, सियासत मत खेलो, सीटा आनियां जानियां, पावर आउंदी जंदी, गवर्नमेंट आनी जानी, कदें उन्हें बनानी कदें असें बनानी, चलता रहना, लेकिन जम्मू कश्मीर की शनाखत, जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की जेड़ा कवच महाराजा हरि सिंह बहादुर ने दिता, उसी तोड़ो बस। जावेद राणा साहब की स्टेटमेंट, जावेद राणा साहब ने जो तिरंगे झंडे के लिए कहा था सर, तिरंगे झंडे, तिरंगा झंडा मेरी शान है।
हमारे साथ बात कर रहे थे दविंदर सिंह राणा जी। एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद राणा ये बात करते हैं कि झंडे का अस्तित्व नहीं रहेगा, दूसरी तरफ से दविंदर राणा ये कहते हैं कि तिरंगा झंडा मेरी शान है। और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि डोगरों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा अगर 35A के साथ छेड़छाड़ होती है। तो आशीष कोहली कह रहा है, मैंने अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।